और इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 12 बज रहे हैं। जो है वो गर्मी में भी जा रहे हो पाकिस्तान की ये हालात, पाकिस्तान में गर्मी ये है, सारी मुश्किलों को टेंशनों को भूल भूल के और जो है वो अपने यहाँ पे बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। हमारी कौम बनी जिंदा कौम है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस और वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। तो इस वक्त हम लोग आए हुए हैं बोर्ड बेसन की फूड स्ट्रीट पे और मेरे मामू ने बताया था कि एक दफ़ा जाके देखो, बंस रोड से भी ज़्यादा अच्छी बनाती है, पब्लिक भी बहुत आई हुई है। देखो ये देखो कितने ज़बरदस्त जो है वो होटल खुले हुए हैं फुल। और इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 12 बज रहे हैं और आप रौनक देखो, ऐसा लग रहा है शाम के मतलब 7-8 बज रहे हो। देखो भी चल रहा है फुल फ्रीलांसिंग, आई मिल रही है फुल ऑन, खाने के होटल खुले हुए हैं, फुल माहौल बना हुआ है। क्यों जी? जी हाँ बिल्कुल गाइस, तो अभी वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें फटाफट और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नहीं किया है, क्योंकि कराची के धमाकेदार व्लॉग्स आ रहे हैं। रौनक बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, अच्छा लग रहा है बोट बेसिन पे। तो हम लोग ये देख रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे बड़ी अच्छी लाइटिंग हुई हुई है और खूब सारी फैमिली आई हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे ज़बरदस्त सी रौनक। तो हम लोग अभी लिमका पीने आए हैं यहाँ पे बच्चों के साथ, अपनी पार्टी के साथ, कदम के साथ। तो बस लिमका शिमका पियेंगे और उसके बाद थोड़ी और स्ट्रीट को दिखाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। हाँ तख्त भी लगे हुए हैं, पूरा माहौल भाई देखो, वॉकिंग टूर चल रहा है यहाँ पे। तो निहारी इन, हांडी इन, खैबर इन, पता नहीं कौन कौन से इन है भाई। और गाइस आप लोग कराची की रौनक है देखो, इस वक्त रात के 12 बज रहे और इस वक्त टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तकरीबन 37 डिग्री हो रहा है, 37-38 के आसपास है। इतनी ज्यादा घमस है, इतना गर्मी है, कराची का मौसम बहुत खतरनाक हुआ है और उसमें भी और तूफान की भी आमद है। उसमें भी इतनी फैमिलीज यहाँ पे आई हुई है कि बस मतलब आप लोग देख सकते हैं कि सारे होटल भरे हैं। हालांकि तूफान का भी खतरा है कराची के अंदर, अगले 2-3 दिन में जो है वो तूफान भी आ सकता है यहाँ पे। और सी वी यू के पास जो है वो ये रश देख रहे हो आप, मतलब अलग ही तरह का कराची। एक कराची वो भी है जो काफ़ी जो है वो बेचारे प्रॉब्लम्स होती है और फिर यहाँ पे लोग अपने जो है वो सारी मुश्किलों को टेंशनों को भूल भूल के और जो है वो अपने यहाँ पे बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। देखो यहाँ पे फुल ऑन रश, फुल ऑन रश हो रहा है यहाँ पे, क्रिकेट खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। बस जो एक चीज़ की कमी मुझे यहाँ इस पूरी स्ट्रीट पे लगी वो ये है कि अगर यहाँ पे गाड़ियाँ ना होती ना, अगर यहाँ पे थोड़ा ऐसा सिस्टम हो कि गाड़ियाँ मोटरसाइकिल ना आ रही हो तो मज़ा और भी ज़्यादा आए वॉक करने में। हमने बहुत सारी ऐसी स्ट्रीट पाकिस्तान में देखी हैं जो वाकई बिना गाड़ियों की होती हैं, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे, सुकून होता है। तो अगर ऐसा हो जाए जबरदस्त। और ये देखो पसीना कितना आ रहा है, ज़बरदस्त गर्मी हो रही है, पसीने की कमाई से खून पसीने यहाँ पे हमारे। अब भाई हम आ गए हैं यहाँ पे लिमका पीने के लिए और इस लिमके को हम पहले भी पी चुके हैं, हम आपको दिखाते हैं कि बनता कैसे है, जबरदस्त लग रही है। हाँ ये वाला हमने पिया था लास्ट टाइम, हाँ लास्ट टाइम हमने पिया था, बड़ा जबरदस्त। कौन सा पियोगे भाई? हैं पाकोला, तुम कौन सा फ्लेवर? भाई मैं तो ओरिजिनल लिमका पियूंगी। लिमका पाकोला, लिमका लिमका पाकोला, तुम्हारा लिमका है, तुम्हारा लिमका है, तीन पाकोला और तीन लिमका, तीन लेमन लिमका, तीन पाकोला, तीन पाकोला, दो इंसान में हो गए। चलो भाई रेडी हो गया हमारा पाकोला और लिमका दोनों, शुक्रिया। चलो हाँ भाई गाइस ठंडा ठंडा गर्मी में पी लो। पिछले साल याद है हम लोग जब आए थे ना कितनी ठंडक थी, बैठने की जगह नहीं इनके पास उधर। हाँ तो बैठने की जगह होगा तो मजा आ जाएगा। तो सामने कैसा खतरनाक क्लाउन खड़ा हुआ है वो देखो, साइड से आ रहा है यहाँ पे सब पार्टी बैठ के एंजॉय कर रही है, पीछे से गाने चल रहे हैं। और मजे की बात है कि जो है वो यहाँ पे कैश चलता था, मैं कैश ही भूल गया, तो अच्छा है कि सारे मर सुफियान जो है वो लेकर आ गए, इनको साथ में कराने में ये फायदा। कैश लाने की आदत नहीं है ना, आदत नहीं है, मतलब 8-10 साल हो गए हमें रखने की आदत ही नहीं है, बट फिर भी मैं काफी दफा अभी भी पाकिस्तान में अब आदत बना रहा हूँ कि रख के निकलता हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता। सो ये बताओ कि कौन सा गाना है जो पीछे फ्लूट में बज रहा है गाइस? हाँ बनाती हूँ, हमको हम ही से चुरा लो, वो वाला गाना है। और ये सब कुछ हो रहा है रात को 12:30 बजे, 12:30 बजे कराची का
कराची की जिंदगी फुल ऑन चल रही है माशाल्लाह। ये हम लोगों ने सारे के सारे डाल दिए कचरे के डिब्बे में। अच्छे बेचारा की जो है ना आप छोड़ दो यहीं पे मेरे घर में या फिर गाड़ी के पास फेंक दो। हमने कहा नहीं यार इस तरह नहीं डस्टबिन में डाल दे। वो देखो समेट रहे ना चेयर्स को। अच्छी शहरियों की तरह हमने अपना काम कर दिया जबरदस्त से। वो देखो वहाँ पे टिक्का कबाब बन रहे हैं, हालांकि अभी हम लोग खाना खा गया है। यहाँ पे माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी फैमिलीज भी आई हुई है। प्रॉपर यहाँ पे सीटिंग वीटिंग हुई हुई है लोगों के लिए, तख्त भी हैं, चेयर्स भी हैं, तो अच्छी जगह है। पाकिस्तान का भी वैसे ही माहौल है जैसा हम छोड़ के गए थे 10-12 साल पहले, आज भी एग्जैक्टली वैसे ही। रात को लेट नाइट लाइफ है, बारबेक्यूज हो रहे हैं, फुल मतलब फैमिली माहौल है, लोग निकले हुए एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग अभी कहना था कि भाई अभी तो हालात बदल गए हैं, मसले हो गए हैं, ये हो गया, बट हमने कहा कि नहीं यार पाकिस्तान पाकिस्तान है, कुछ भी हो हमें पता है कि हमारी कौम बड़ी जिंदा कौम है माशाल्लाह। और जो है ना उस तमाम मसले मसाइल के बावजूद निकलती है बाहर, इंजॉय करती है, फैमिली को भी करवाती है, फैमिली भी बहुत सारी बाहर निकलती है। तो हमें इसलिए मतलब अंदर से हमें जो है वो हमेशा फीलिंग थी कि पाकिस्तान ही हमें जो है वो जगह है जहाँ खुशी मिलेगी विजिट करके, घूम के फिर के अपनी छुट्टियाँ मना के। और इसके अलावा ये देखो गाइस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, भाई जो उर्दू पढ़ते कराची है जानी। जी हाँ ये हमारा प्यारा कराची है जहाँ की रौनक है, आप लोगों ने अभी देखी है जबरदस्त। क्या बात है भाई। तो भाई बात ये है कि हम लोग आ गए हैं इस वक्त कराची की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी फूड स्ट्रीट बंस रोड पे। देखो यहाँ पे हम लोग भाई बंस रोड पे आ गए हैं, इतनी जबरदस्त स्ट्रीट लग रही है। आज तो फिर भी रश कम है, पर इस वक्त इसके जो हम पिछले साल आए थे बहुत ज्यादा रश था, खड़े होने की जगह नहीं थी। आज वीकडे है तो अच्छा टाइम है। एडवर्टाइजर के तौर पर दही बड़े खाएंगे, मीठे दही बड़े यहाँ के बहुत ज्यादा मशहूर है। क्या नाम है, दिल्ली के मशहूर है भाई, और हम सब भी दिल्ली के हैं। बहुत जबरदस्त माहौल लग रहा है यहाँ का, पीछे देखिए खूब रश हो रहा है यहाँ पे। दही बड़े खाने के बाद हम लोग जाएंगे कराची के मशहूर वहीद के कबाब खाने के लिए। वहाँ फ्राई कबाब खाएंगे और खाएंगे चिकन टिक्का जबरदस्त। चिकन टिक्के का तो मेरा इतना मूड हो रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। चलो लेट्स गो। जबरदस्त दही बड़े रखे हुए भाई यहाँ पे, पापड़ी शापड़ी रखी हुई है। यहाँ पे जबरदस्ती दही बड़े चाट आ गई है। ओहो स्टार्ट भी कर दिया इनसे तो भूख के मारे रहा ही नहीं जा रहा। हाँ क्या बात है यार, ये कुछ नया है। लास्ट टाइम ये मुझे ये वाली चटनी नजर नहीं आ रही थी, पता नहीं कुछ नया डाले इन्होंने। मालूम करोगे ये क्या है भाई? ये खाओ खाओ खाते है भाई। पहले हम पापड़ी समी खाएंगे, जबरदस्त चाट मसाला बहुत ही अच्छा लग रहा है, टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। बात यह है कि हम लोग आ गए हैं इस वक्त बंस रोड के मशहूर वहीद कबाब खाने के लिए। मतलब टिक्का और कबाब ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है यहाँ पे। जबरदस्त देखो टिक्का लग रहा है, क्या माहौल होता है यहाँ पे यार। फ्राई कबाब हमने कितने खाए अपने ऑफिस के जमाने में, हर जुम्मे को आ जाते थे यहाँ पे खाने के लिए। आओ चलो फैमिली हॉल ऊपर चलते हैं। हाँ जी हम लोगों ने इतने खाए हैं अपने टाइम पे जब ऑफिस का होता था, हर जुम्मे को यहाँ पे आके जाए ना टिक्का और कबाब जो है वो फ्राई कबाब और टिक्के खाया करते थे। यादें होती हैं इन सब जगहों से जुड़ी हुई। और अभी वहीद कबाब तो बहुत मशहूर है कराची का। मेरी मम्मी फ्रेंड को उठा के हम आ गए फैमिली हॉल पे, फैन के सामने बैठ जाते हैं। फैन के सामने लास्ट टाइम मैं नहीं आता। ये हमारी सीख कबाब है और फ्राई कबाब है, बारबेक्यू है, टिक्का है। भाई हम लोग तो मंगाएंगे फ्राई कबाब और टिक्का, उसमें मतलब देखने की जरूरत नहीं है ऐसे, मगर मैं आपको दिखा देता हूँ मेन्यू इसका। तुमने देखा ये है हमारा रियल कराची जहाँ पे इतना रश है, कैसा लगा तुम्हें? फुल ऑन गर्मी। लास्ट टाइम मयान यहाँ पे नहीं आया था, कल ही मयान फिर आ गए थे, तो इस दफा हम बच्चों को भी लाए हैं फैमिली करवाने के लिए, क्योंकि भाई हमारा कराची का जो माहौल है उसको जब वो देखेंगे तो पता चलेगा कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसलिए जरूरी है। और बड़ी बात इसलिए क्योंकि ये लोग बाहर से बच्चे जब आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से, तो यहाँ पे आके माँ बाप को कंप्लेंट ना किए बगैर और उस माहौल में ढल जाएं, मतलब हेड्स ऑफ टू किड्स, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो है वो -30-40 के आदि हो चुके थे। देखो पसीने कैसे बह रहे हैं और यहाँ पे +45 है, आज 45 डिग्रीज हो रहे हैं कराची के अंदर, बहुत ही गंदी गर्मी है। सही बात है, बहुत गर्मी है भाई, अशर को ज़्यादा गर्मी लग रही है। यहाँ पे पंखों का इंतजाम भी किया हुआ है और शोर पीछे से बहुत आ रहा होगा, बस ये दोस्त से बोल रही है।
पंखों का इंतजाम किया हुआ है, थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है। अली इज एंजॉयिंग, अयान इज एंजॉयिंग, खाना ऑर्डर कर रहे हैं। तो भाई बात हो रही है, अयान कह रहे हैं अपने मुँह को देखिए इस वक्त जो है वो खतरनाक पसीना बह रहा है आपको। तो जो है वो सना कह रही है कि अम्मा कुछ ऑप्शन जो है वो गर्मी में जाने का। सब लोग कहते थे कि जो है वो गर्मी में भी जा रहे हो, पाकिस्तान की ये हालत, पाकिस्तान में गर्मी ये वो। मगर भाई लोगों को पता नहीं है कि मतलब हम लोग पाकिस्तान से ही तो बिलोंग करते हैं, जो भी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए वो हो जाए, मगर पाकिस्तान की तो मतलब बात वो पाकिस्तान ही पूरी कर सकते हैं, ना वो कैनेडा में पूरी हो सकती है और ना ऑस्ट्रेलिया में। सैफी साहब हाउ आर यू फीलिंग, गर्मी रिएक्शन देख कितना अभी चिकन टिक्का आएगा ना खुश हो जाएगा। यह आ गया है भाई ज़बरदस्त, देखो फ्राई कबाब बंस रोट का और वहीद का, और ये आ गया है भाई ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा चिकन टिक्का, देखा यार सब बड़ा अच्छा। ये देखो ज़बरदस्त नान आ गए हैं, ओ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मज़ा आ गया यार वाकई में। इनका टेस्ट आज भी ऐसे ही ऑथेंटिक है जैसे हम लोग 11-12 साल पहले खाए करते थे, exactly वही टेस्ट है। इसको कहते हैं जीरो प्रेजेंटेशन, जीरो शशके, मगर फुल ऑन टेस्ट, जबरदस्त मजा आ देगी खा के, रहेगा आपको जबरदस्त मजा आ देगा। अब अभी भाई यहाँ साहब पहली दफा शीशे की बोतल में पेप्सी पी रहे हैं। भाई ये मैंने ले लिया है इस वक्त पूरी के साथ चिकन टिक्के का जबरदस्त सा दिवाला, यहाँ पे चटनी, प्याज, पुदीना, और अभी जाने वाला है। ना मिर्ची है ना स्पाइस, ऐसा है कि अटेडी करे, बहुत ही सिंपल नाइस सा चिकन। ये देखो भाई खा पी के एकदम मस्त हो चुके हैं ये इंसान।